In last lecture, we have solved. In last lecture, we have solved this sum, that is SS Limited. We have arranged all the formats, that is financial statement का आपका balance sheet हो गया, PNL सब arrange कर दिया with numbers, जो note number है. अब वो note number अपने को इधर बनाना है, फिर entry put करना, मतलब amount put करना है, ठीक है? और question आपका, देख रहे हो आप, ये आपका question था, SS Limited, ठीक है? अब इसी को अपने को with notes to accounts, क्या बेटा with notes to accounts अपने को solve करना है बेटा, क्योंकि सब हो चुका है. अब notes to account आपको दिखाना है, notes to accounts के बाद जो भी amount आएगा that you have to put it, ठीक है? Main format में balance sheet या PNL में आपको उसको put it down, right? That put it down. Now see, question is on the screen. SS Limited सब हमने देख चुका है बेटा, सब we have done it in last lecture. सिर्फ अपना notes to accounts अभी बाकी है. So let's get ready to solve the sum. आ जाओ, ये हो गया आपका, yes. So notes to accounts. So first notes to account is what? First notes to account is what? पहला हमेशा याद रखना, सबसे first notes to account will be for share capital. And after that what? Reserves and surplus. So you can see here. See, first notes to account is for share capital and second reserve and surplus. ऐसे ही अपना कंटिन्यू करते जाना है. थर्ड आपका अदर करेंट लाइबिलिटीज है, फोर्थ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, राइट? सो नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग पूरा प्रिपेयर करते, जो भी अमाउंट रहेगा वो सब इधर नोट्स टू अकाउंट बन जाएगा, तो सब इधर पुट करके बैलेंस शीट टैली करेंगे और पीएनएल आप निकाल लोगे, ठीक है? हाँ चलो, सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन, आ जाओ. तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखो तो समझेगा, स्टेप बाय स्टेप. सो बच्चों, फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट्स विल बी व्हाट? फॉर शेयर कैपिटल. यू कैन सी हियर शेयर कैपिटल. सो फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट ये दिख रहा है नंबर वन, देखो इधर शेयर कैपिटल नंबर वन. सो नंबर वन फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट इज फॉर शेयर कैपिटल. दिखा दो नोट्स टू अकाउंट नंबर, पर्टिकुलर्स लिख सकते हो इधर क्योंकि नोट्स टू अकाउंट ऊपर लिखा है, सो कोई जरूरत नहीं है फिर से लिखने के, डायरेक्टली पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो और रुपीज. तो फर्स्ट वन विल बी फॉर शेयर कैपिटल. अब आ जाओ शेयर कैपिटल में, सबसे पहले आपको दिखाना है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. याद रखो ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. चलो नाउ सी बेटा, ऑथराइज्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या क्वेश्चन में, जरा देख लेते हैं. इज देयर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑथराइज्ड कैपिटल? यस इट इज. ये देखो, सी एवरीवन, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एंड 8,009% प्रेफरेंस शेयर भी है ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक है? सो चलो दिखा देते बेटा, शो आइडिया क्या 9% क्या दिया आपने को, प्रेफरेंस शेयर्स भी दिया 9%, 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स. बेटा प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, बराबर है 9%, 8,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, दैट इज व्हाट 8 लाख. सो 8,000 × 100 दैट इज 8 लाख. देन आपका क्या इक्विटी शेयर्स भी है बेटा, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10, कितना है 100 है ना, ये भी 100 है. इसका फेस वैल्यू कितना है जरा देख लेते, वो भी 100 ही था ना, यस इट इज 100. दोनों का फेस वैल्यू 100 ही है बेटा, इक्विटी का भी 100 है, प्रेफरेंस का भी 100 दिया. प्रेफरेंस का तो जनरली 100 ही होता है, बट इक्विटी का भी इधर 100 दिया ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक है? सो टोटल कितना आ गया बेटा, 20,000 × 100 दैट इज 2 अपना 20 लाख, दैट्स इट, बराबर है? तो कितना आ गया ये टोटल, 28 लाख. और ये सिर्फ शो करना है आपने को, अपने को सिर्फ नोट्स अकाउंट में दिखाना है, बाकी इसका अमाउंट हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते नहीं है. बैलेंस शीट में सिर्फ कौन सा आएगा, पेड अप कैपिटल. तो चलो नेक्स्ट, ऑथराइज के बाद क्या आ जाएगा, इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल. इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड व्हाट बेटा, पेड अप कैपिटल. इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड व्हाट बेटा, पेड अप कैपिटल. चलो अभी इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में आ जाओ, देखते हैं.
ये तो ऑथराइज था ना बेटा, अब इशूड सब्सक्राइब के लिए इधर आ जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, राइट। सो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 10 लाख है, फेस वैल्यू 100 है, मतलब कितना शेयर आपने इशू किया रहेगा 10,000, सिंपल राइट है, 10,000 शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8 लाख है, डिवाइड बाय 100 मतलब 8,000 शेयर्स, दैट्स इट। तो आ जाओ दिखा देता है, ये सब पेड अप है, ट्रायल बैलेंस में दिया मतलब सब पेड अप कैपिटल हो गया बेटा, आ जाओ। सो शो इट, तो इधर पहले आपने प्रेफरेंस शेयर्स लिखा है तो इधर भी प्रेफरेंस शेयर से ही स्टार्ट करना। प्रेफरेंस शेयर्स का तो 9% पूरा ही है, 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज व्हाट 100 ईच, तो कितना हो गया ये 8 लाख बराबर। देन 10,000, अभी इक्विटी शेयर्स में कितना इक्विटी शेयर इशू किया है, ऑथराइज मतलब मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितना था इक्विटी के लिए 20,000, मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल आप बोल सकते हो ऑथराइज को, बट इशू कितना हुआ, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप में 10,000 है। सो 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इंच, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 इंच फुल्ली पेड अप, 10 किधर 100 हुआ ना, ये तो 100 फेस वैल्यू 100 ही है, फुल्ली पेड, फेस वैल्यू सेम ही है 100, तो चलो 10,000 इनटू 100 हो गया आपका 10 लाख, शो कर दो बेटा, कम ऑन, शो इट देयर। अब टोटल कर लो, टोटल कितना आ जाएगा आपका, यस 18 लाख दिखा दो। सो नाउ द टोटल, टोटल हो गया 18 लाख, ये हो गया आपका टोटल, दैट्स इट, ये आपका नोट नंबर 1 डन। अब यही 18 लाख क्या करने का, आ जाओ, यही 18 लाख आपको क्या करना है बेटा, इधर पुट कर देना है नोट नंबर 1 के सामने, ये दिख रहा है नोट नंबर 1, बस इधर 18 लाख दिखा दो आप, 18 लाख बराबर है, या तो जैसे जैसे नोट होगा वैसे अमाउंट डालो, या तो सारे नोट्स कंप्लीट कर लो उसके बाद डाल देना सब लाइन वाइज, आपके ऊपर डिपेंड है। चलो सो 18 लाख डन, नाउ सेकेंड नोट्स टू अकाउंट है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो आ जाओ तो हम लोग एक काम करते हैं, पूरा नोट्स टू अकाउंट डन कर लेते हैं, फिर अमाउंट मतलब अमाउंट एक साथ में स्टेप बाय स्टेप हम लोग पुट कर देंगे। चलो सेकेंड नोट्स टू अकाउंट के अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। चलो नोट्स टू अकाउंट नंबर 2 है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो बेटा अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में सबसे पहला तो आ गया आपका जनरल रिजर्व, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया ही था। चलो अब जनरल रिजर्व है कितना बेटा, जरा देख लो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दिया ना क्वेश्चन में, सो सी हाउ मच इट इज जनरल रिजर्व, यू कैन सी हियर 80,000, कितना बेटा 80,000 का जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है, और देखो ड्यूरिंग द ईयर 20,000 वेयर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और ड्यूरिंग द ईयर में जनरल रिजर्व में 20,000 और आया, किधर से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आएगा ना बेटा, तो जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा 80 + 20, 1 लाख। सो आ जाओ जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस इज व्हाट 80,000 प्लस ट्रांसफर्ड, क्या बेटा अमाउंट ट्रांसफर्ड हुआ है, किधर से ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम PNL account, that is 20,000. So the total is what? 1 lakh. General reserve का amount आ गया अपना 1 lakh. ठीक है? फिर कौन सा reserve है अपना? वही profit and loss account. आप देख सकते हो. Second one is what? R. You can see here बेटा profit and loss. That is 2 lakh है. ठीक है? Okay? चलो दिखा दो. So, PNL के लिए इधर जगह कम पड़ेगा तो नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं मैं, बी
एक साथ में रहेगा ना सब. सो ये फॉर्मेट इसमें आपका रुपीस नंबर, ठीक है. चल सो ए हो गया जनरल रिजर्व. अभी आ जाओ बी. बी आपका पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस. बी है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है. चलो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो है ही आपके पास. ओपनिंग बैलेंस इज गिवन, राइट. प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस इज गिवन, दैट इज ओपनिंग बैलेंस इज हाउ मच, 2 lakhs, ठीक है. ओपनिंग बैलेंस आपको देख लो क्वेश्चन में दिया ना, इधर यू कैन सी हियर ओपनिंग बैलेंस इज व्हाट, 2 lakhs, ठीक है. सो ओपनिंग बैलेंस आपका 2 lakhs है, राइट. अब याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस में करेंट ईयर का तो प्रॉफिट आएगा ही बेटा, जो भी प्रॉफिट आएगा करेंट ईयर का, प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर, प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर. अब मेरे प्यारे बच्चों करेंट ईयर का प्रॉफिट तो अभी मालूम ही नहीं पड़ेगा अपने को जब तक पीएनएल अपना नहीं बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. तो ठीक है, मतलब ये आपको लीव करके रखना पड़ेगा, छोड़ के रखना पड़ेगा, बराबर है. जब तक पीएनएल नहीं होगा तब तक इधर प्रॉफिट आएगा नहीं, ठीक है. चलो तो इधर हम स्पेस लीव करते थे बेटा. प्रॉफिट आएगा, फिर उसका टोटल आएगा, फिर आपको पता है आपने इसमें से क्या किया है, लेस स्पेस लीव करके लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर टू किधर, जनरल रिजर्व. बेटा आपने जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया है, 20,000, आपको पता है ये भी. जनरल रिजर्व में आपने 20,000 ट्रांसफर किया है, फिर आपने इंटरिम डिविडेंड पेड किया बेटा, इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट हुआ है. तो ये सब कहां से जाएगा, प्रॉफिट में से जाएगा ना. इंटरिम डिविडेंड भी आपका कितना था, देखो इधर इंटरिम डिविडेंड, वेयर इज इट, हियर इट इज, इधर गया. 30,000 का इंटरिम डिविडेंड है. सो 30,000 आपने इंटरिम डिविडेंड दिखा दिया, बराबर है. मान पड़ा कि नहीं, वो एक्चुअली एडजस्टमेंट में रहना चाहिए इंटरिम डिविडेंड, ठीक है. आपका इधर आया, ओके, 30,000 करंट ईयर का. सो ये इंटरिम डिविडेंड हो गया, ओके, दिखा दिया आपने इधर, बराबर. चलो तो बेटा अब इधर का जो अमाउंट है वो अपने को पता नहीं, तो ही आप टोटल करो, राइट है, पता रहेगा तो ही टोटल हो पाएगा, अदरवाइज ऐसे करोगे, ठीक है. तो कोई बात नहीं, चलो ये स्पेस लीव करके रखना, जब तक ये अमाउंट नहीं आएगा तब तक इधर का फाइनल अमाउंट नहीं आएगा, और इधर का फाइनल अमाउंट नहीं आएगा तब तक आपका इसका टोटल भी नहीं आएगा, ठीक है. टोटल मतलब कहां से आएगा, ये 1 lakh प्लस इधर जो अमाउंट आएगा वो प्लस करना, तो ठीक है, स्पेस लीव करके रखने का, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है. चलो तो नोट नंबर 2 अपना बाद में होगा, जब तक पीएनएल का अमाउंट नहीं आएगा तब तक नोट नंबर 2 नहीं कर सकते आप. चलो अभी नोट नंबर 3 में आ जाओ. नोट नंबर 3 क्या है आपका, नोट नंबर 3 है अदर करंट लायबिलिटी से रिलेटेड, अदर करंट लायबिलिटी. चलो अदर करंट लायबिलिटी नोट नंबर 3, अदर करंट लायबिलिटीज. चलो अभी अदर करंट लायबिलिटीज कितना है उसमें देखो आपका क्या था, देखा था ना लास्ट लेक्चर में, एक तो अनक्लेम डिविडेंड है और जो डिबेंचर रिडीम होगा नेक्स्ट ईयर में जस्ट, ठीक है, वो तो दिखा देना क्या, डिबेंचर्स टू बी रिडीम, डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड इन व्हाट बेटा, नेक्स्ट ईयर, जो कि आपका अमाउंट कितना है, 1 lakh दिखाई था लास्ट लेक्चर में, और अनक्लेम डिविडेंड है आपके पास, वो तो क्वेश्चन में दिया ही है अनक्लेम डिविडेंड, ये सब हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में. अनक्लेम डिविडेंड अपना अमाउंट 20,000 था ना, ये देखो
unclaimed dividend. ये रहा 20,000 और डिबेंचर्स टू बी रिडीम. जस्ट जैसे एक साल खत्म हुआ ये वाला, उसके 5 महीने के बाद डिबेंचर रिडीम हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर आ गया ना, नेक्स्ट ईयर मतलब करंट ईयर लाइबिलिटी, मतलब करंट लाइबिलिटी हो गया ये भाई. नेक्स्ट 12 मंथ्स में कोई भी रिडीम होने वाला तो करंट लाइबिलिटी टाइप हो गया. सिंपल अनक्लेम डिविडेंड आपका 20,000 है. सो टोटल कर लो इसका, अदर करंट लाइबिलिटी का टोटल कितना आ गया, 1,20,000. खत्म. नोट नंबर 3 भी अपना डन. फिर नोट नंबर 4 किसका बनाना है आपको? नोट नंबर 4 देखो किसका बनाना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का है. शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या रहेगा आपका, वही इनकम टैक्स. सो नोट नंबर 4 है शॉर्ट टर्म प्रोविजन. अपना शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कौन सा आएगा आपका, वही इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स इसके लिए भी आपको स्पेस लीव करके रखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स तो प्रॉफिट आएगा तो ही तो टैक्स आएगा, कैलकुलेट करोगे. क्योंकि क्या बोल रहा है टैक्स के लिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है टैक्स से रिलेटेड, टैक्स का बोल रहा है बेटा 30% है. 30% तो 30% किसका, प्रॉफिट आएगा तो ही आएगा ना. तो मतलब पीएनएल जब तक बनेगा नहीं तब तक इसका भी अमाउंट नहीं आएगा, कोई बात नहीं. चलो नोट नंबर 3, 4 भी हो गया अपना. नेक्स्ट नोट देखते हैं अभी कौन सा है 4 के बाद. 4 हो गया अपना. फिर आगे अभी 5th नोट नंबर कौन सा है, ये देखो 5th नोट है अपना टेंजिबल एसेट्स. चलो टेंजिबल एसेट से रिलेटेड 5th नोट है, इधर बना देता हूं मैं 5th नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 5. पहले फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं नॉर्मल. अमाउंट नंबर, चलो नोट नंबर 5th एवड टेंजिबल एसेट्स. नोट नंबर 5th टेंजिबल एसेट्स, ठीक है. अब टेंजिबल एसेट्स में आपके पास क्या है, मशीनरी है, मशीनरी है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, ठीक है. मशीनरी है, लैंड है, ये सब है ना अपने पास. तो देखो आ जाओ, देखो टेंजिबल असेट्स में बच्चों क्या है अपने पास, मशीनरी है 15 लाख, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है 10%, ठीक है, वो भी निकाल लेंगे. लैंड है 10 लाख, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन है क्या, तो ऐसे भी नहीं होता है लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन. भाई लैंड डेप्रिशिएट कहाँ होता है, बराबर, बिल्डिंग होगा वो डेप्रिशिएट होगा, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन सुना है, हाँ वो अलग बात है, उस जगह का डिमांड नहीं है तो अलग चीज है, ठीक है. चलो सो आ जाओ, सो मशीनरी आपका दिया है कितना 15 लाख लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 10%. चलो 10% डेप्रिसिएशन निकाला तो कितना आ गया 1,50,000, माइनस किया तो कितना आ गया 13,50,000. चलो उसके बाद मशीनरी के बाद सेकंड कौन सा है, लैंड. लैंड का वैल्यू तो डायरेक्ट आ गया कितना 10 लाख, डेप्रिसिएशन है नहीं इस पे, उमल सी बात है, पता ही नहीं है, ठीक है. सो आपका ये भी डन, मतलब आपका जो टेंजिबल असेट्स है वो कितना आ गया, टेंजिबल असेट्स आ गया 23,50,000. तो टोटल आ गया इसका 23,50,000. चलो नोट नंबर 5 का भी अमाउंट आ गया. अब नोट नंबर 5 का अमाउंट आने के बाद नोट नंबर 6, नोट नंबर 6 किसका है आ जाओ. नोट नंबर 6, नोट नंबर 6 है बेटा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है. तो आ जाओ नोट नंबर 6 आपका है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में क्या है बेटा, डायरेक्ट कर सकते हो इधर, इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म वो कितना परसेंट होगा, 90%, क्योंकि उधर क्वेश्चन में दिया है, देखो इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. क्या बोल रहा है देखो, इधर जो भी इन्वेस्टमेंट है आपका, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है इधर, इधर क्या आपका इन्वेस्टमेंट ये रहा 3 लाख. तो इधर क्या बोल रहा है बेटा, 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर इन वर शॉर्ट टर्म इन नेचर. 10% शॉर्ट टर्म का है तो 90% लॉन्ग टर्म का हो गया ना, और लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट असेट्स, ठीक है.
सो 3 लाख का 90% निकाले, so 3 लाख का 90% निकालेगा तो कितना आ गया 2,70,000, बस हो गया। ये अपना नोट नंबर क्या हो गया, 6 दिखा दिया हमने, 5 हो गया 6 हो गया। फिर उसके बाद नोट नंबर 7 जरा देख लेते किसका है। नोट नंबर 7 है आपका करंट इन्वेस्टमेंट, तो इसमें भी तो वही करना है, उधर 90% लिया इधर 10% ले लेना बस। 90% अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है नॉन करेंट, तो 10% क्या हो गया शॉर्ट टर्म। सो आ जाओ, शॉर्ट टर्म मतलब करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स। सो करंट इन्वेस्टमेंट में जो भी आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो जाएगा 3 लाख का 10%, दैट इज 30,000, दैट्स इट। ये हो गया अपना नोट नंबर 7। अभी नोट नंबर 7 के बाद नोट नंबर 8 है आपका किससे रिलेटेड है, 8 इन्वेंटरी से रिलेटेड। नोट नंबर 8 है आपका इन्वेंटरी, ठीक है। अब इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, तो स्टॉक से रिलेटेड अपने को क्या दिया है, डायरेक्टली एडजस्टमेंट दिया था इसलिए नोट बनाया था, एक ही आइटम है दैट इज 60,000, ठीक है। सिर्फ इन्वेंटरी दिया है अपने को, बराबर है। इन्वेंटरी मतलब वही क्लोजिंग स्टॉक आपका, बराबर। तो आ जाओ, सो नोट नंबर 8 इन्वेंटरीज, उसमें क्या है बेटा, वही क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 60,000, बस हो गया क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 60,000। चलो अभी नोट नंबर 9 कौन सा है बेटा, नोट नंबर 9 देखते हैं। नोट नंबर 9 किसका बनाना है आपको, आ जाए। नोट नंबर 9 है ट्रेड रिसीवेबल, किससे रिलेटेड है, ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड है आपका नोट नंबर 9, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब वही डेटर्स, बराबर, और बिल रिसीवेबल। तो आ जाओ, तो ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड क्या है अपने पास, जरा देख लो। ट्रेड रिसीवेबल में आपका डेटर्स है बेटा, दिख रहा है, वेर इज इट, हियर इट इज, डेटर्स है 3 लाख, और बेटा उस पे प्रोविजन क्रिएट किया है आपने 10% का, 10% का प्रोविजन है, राइट। सो आ जाओ, दिखा दो नोट्स टू अकाउंट में। सो नोट नंबर 9, बराबर है क्या बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स जिसमें आपका डेटर्स है, डेटर्स आपका कितना है 3 लाख, माइनस क्या करना है आपने को, आरडीडी जो प्रोविजन किया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर व्हाट, डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है बेटा, 10%, ठीक है। सो 3 लाख का 10% हो गया 30,000, माइनस किया तो कितना आया 2,70,000, बस हो गया, दिखा दिया, नोट नंबर 9 भी डन हो गया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट नोट, नोट नंबर 10, नोट नंबर 9 के बाद नोट नंबर 10, फॉर्मेट वही कॉमन अपना, नोट नंबर 10। चलो 10th नोट नंबर किसके लिए बनाना है जरा देख लेते हैं, आ जाओ। सो नोट नंबर 10 इज फॉर व्हाट, ये सब मतलब आपका बैलेंस शीट से नोट्स खत्म हो गया अभी नोट नंबर। अब नोट नंबर 10 है पीएनएल सा, देखो पीएनएल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, राइट। सो पीएनएल में नोट नंबर 10 इज व्हाट, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल्स। तो आ जाओ नोट नंबर 10 क्या है, चेंजेस इन इन्वेंटरीज, क्या बेटा, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ व्हाट, फिनिश गुड्स
right? Finished goods, work in progress, and raw materials. एंड वो बेटा रॉ मटेरियल्स, अब वही चेंज में अपना नॉर्मल ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक कितना है इसका, इन्वेंट्री का ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया है बेटा, देख लो इधर। ओपनिंग स्टॉक है बेटा आपके पास 90,000, क्लोजिंग स्टॉक है किधर है 60,000, बस आ जाओ। ओपनिंग स्टॉक है आपका 90, बराबर है, क्लोजिंग स्टॉक फिर लेस, क्लोजिंग स्टॉक है आपका कितना 60, आया कितना 30,000, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं, 90 है, 90 माइनस 60 किया तो कितना आ गया 30,000, ठीक है, तो हियर इट इज 30,000, दैट्स इट। तो ये 30,000 ये क्या हो गया अपना डिक्रीज इन इन्वेंट्री हो गया ना बस, बराबर है, तो ये 30,000 आपको, आप इसको बोल सकते हो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इसीलिए तो एक्सपेंडिचर में आया, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, पहले इन्वेंट्री था 90, अभी हो गया 60, तो डिक्रीज हो गया, तो नोट नंबर 10 भी आपका डन, बराबर है, नोट नंबर 10 इज ऑल्सो डन। नाउ नोट नंबर 11 इज रिलेटेड टू व्हाट, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ठीक है, तो चलो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस से रिलेटेड अपने पास क्या डेटा है बेटा, देखो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस से रिलेटेड आपके पास है वेजेस और सैलरीज, ठीक है, दो आइटम है, दिखा दो बस। सो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है, तो उसमें क्या बेटा अपना वेजेस सैलरीज एंड वेजेस है, सैलरीज एंड वेजेस या वेजेस एंड सैलरीज लिखो, ठीक है, 1,50,000 सैलरी है और वेजेस है आपका 30, सो टोटल इज व्हाट 1,80,000, दैट्स इट। ये भी नोट्स टू अकाउंट अपना डन हो गया 1,80,000। फिर अपना नेक्स्ट नोट्स टू अकाउंट क्या बेटा, नेक्स्ट नोट्स टू अकाउंट देखते हैं अभी। सो एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद क्या है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट आना इसलिए, सो आ जाओ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, बेटा अभी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में एक ही तो आइटम था, कौन सा, वही डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट, मशीनरी, और आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी किधर है आपका, इधर ही तो चार्ज किया ना आपने 1,50,000, ये देखो 1,50,000 एडजस्टमेंट था इसलिए सब दिखा दिया हमने, बस खत्म। सो डेप्रिसिएशन आपका कितना है 1,50,000, अमोर्टाइजेशन तो कुछ दिया नहीं है तो डेप्रिसिएशन ही है, ओनली डेप्रिसिएशन इज देयर 1,50,000। फिर लास्ट नोट्स टू अकाउंट आपका 13,1, वही लास्ट है अदर एक्सपेंस, तो अदर एक्सपेंस से रिलेटेड क्या है अपने पास, अदर एक्सपेंस से रिलेटेड आपके पास देखो रेंट है, फिर आपका वो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आया, बराबर है, वो सब अदर एक्सपेंस, सो आ जाओ वो लास्ट, देखो वो लास्ट नोट्स टू अकाउंट है 13 वाला, सो 12 हो गया अभी 13, अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस में क्या हो गया बेटा अपने पास, यस, कौन सा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो आरडीडी निकाला था आपने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बेटा 30,000, और आपका रेंट, जो रेंट का एक्सपेंस है दैट इज व्हाट 60,000, सो टोटल इज व्हाट 90,000, दैट इज व्हाट टोटल, दैट्स इट, ठीक है। So, ये अपना हो गया नोट्स टू अकाउंट्स डन, बराबर है। अब सुनो बच्चों, नोट्स टू अकाउंट्स में अपना कौन सा रिमेनिंग रह गया नोट्स टू अकाउंट, ये देखो, ये
रिजर्व एंड सरप्लस वाला और प्रोविजन फॉर टैक्स वाला रिमेनिंग है, तो कभी कंप्लीट होगा? जब तक आप पीएनएल अकाउंट कंप्लीट नहीं करोगे तब तक वो होने वाला नहीं है। तो चलो पहले पीएनएल का जो आइटम है ना, पीएनएल के आइटम किधर से स्टार्ट हुआ है? नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर 10, 11, 12, 13। तो 10 का अमाउंट है 30,000 इन्वेंट्री वाला, चेंज इन इन्वेंट्री। 11 का है 180 और 12 का है 150 और 13 का है 90। ठीक है, तो ये सब पुट कर दो पीएनएल में, आ जाओ। तो ये सब आपका पीएनएल में दिखा देना। तो चलो पीएनएल, तो पीएनएल पहले कंप्लीट कर लो आपका, आ जाओ। सो चेंज इन इन्वेंट्री आया अपना कितना है, चेंज इन इन्वेंट्री यस 30,000 है। फिर चेंज इन इन्वेंट्री के बाद अपना एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस है 180,000। फिर एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस के बाद डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कितना था 150,000 और 13 नंबर नोट्स अपना अदर एक्सपेंस था 90,000। चलो सबका टोटल कर लो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, कितना आ रहा है 12,60,000। चेक कर लेना 12,60,000। ओके, सो 12,60,000 आ गया। अब क्या करना है, आपका रेवेन्यू कितना था ऊपर देखो 20 लैक्स और एक्सपेंस कितना आया 12,60,000। तो माइनस कर दो, माइनस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा 7,40,000। बराबर है, अब 7,40,000 का आपको क्या करना है बेटा, टैक्स निकालना है 30%। तो 7,40,000 का 30% निकाल लो, 7,40,000 का 30% निकाला तो कितना आ रहा है 2,22,000 आ जाएगा, 2,22,000। बराबर है, सो फाइनली प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ गया, करो 7,40,000 माइनस 2,20,000, 2,22,000, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 5,18,000। दैट्स इट, बस फटाफट नोट डाउन कर दो, ये तो स्क्रीनशॉट ले लो, अब ये अपने को काम आएगा बैलेंस शीट में और नोट्स टू अकाउंट में। सो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 5,18,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स है 2,22,000, याद रखना ये दो अमाउंट अपने को काम का है। ठीक है, चल आ जाओ। सो अब आ जाओ नोट्स टू अकाउंट, जो अपना बाकी था कंप्लीट करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स तो अपने को मालूम पड़ गया कितना आ गया था 2,22,000, ये इधर डाल दो 2,22,000, खत्म। बराबर है, फिर आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आया था कितना, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आया था 5,18,000, 5,18,000 आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आया था। प्लस कर लो कितना हो गया 2,00,000 + 5,18,000 कितना हो गया 7,18,000। 7,18,000 में से ये दोनों माइनस करना है अपने, दीज टू विल बी डिडक्टेड। ठीक है, 20,000 और 30, मतलब 50,000 माइनस करो तो फाइनली प्रॉफिट कितना आ जाएगा, फाइनली आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा बताओ, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है 7,18,000 माइनस 50 तो कितना हो गया 6,68,000। ठीक है, 6,68,000 हो गया। अब सुनो, रिजर्व एंड सरप्लस में पहले कितना था 1,00,000 और अभी कितना आया पीएनएल का बैलेंस, जनरल रिजर्व 1,00,000, पीएनएल कितना है 6,68,000, तो टोटल मिला के हो गया 7,68,000। दैट्स इट, दिस इज व्हाट नोट नंबर 2 अपना जो बाकी था रिजर्व एंड सरप्लस का कितना आ गया 7,68,000, खत्म। बस अब बैलेंस शीट में फटाफट डाल दो, नोट नंबर 1 का अमाउंट है आपका कितना 18 लैक्स, नोट नंबर 2 का है 7,68,000, नोट नंबर 3 का है 1,20,000, नोट नंबर 4 का है आपका 2,22,000, फिर नोट नंबर 5 का है 23,50,000 और नोट नंबर 6 का है 2,70,000, नोट नंबर 7 का 30,000, नोट नंबर 8 का 60, नोट नंबर 9 का 2,70,000, बस नोट नंबर 9 तक आपका बैलेंस शीट है। सो आ जाओ, सब स्टेप बाय स्टेप दिखा दो नोट नंबर 9 तक। चलो सो बेटा नोट नंबर 1 का अमाउंट आ गया कितना, नोट नंबर 1 का अमाउंट है 18 लैक्स, नोट नंबर 2 का अमाउंट था 7,68,000, नोट नंबर 3 का अमाउंट कितना था 1,00,000,
20,000, नोट नंबर 4 का अमाउंट है 2,22,000, दैट्स इट, ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगा इधर, मतलब 32 लाख, इधर देखो टोटल मारो कितना रहा है, 32,10,000, और जितना लाइबिलिटी है उतना एसेट होना चाहिए आपका, ठीक है। नोट नंबर 5 में आ जाओ, अभी नोट नंबर 5, बस अभी तो कर लोगे ना, अभी सब तो दिखा दिया मैंने। चलो नोट नंबर 5 का अमाउंट है 23,50,000, फिर अपना नेक्स्ट नोट नंबर 6 है 2,70,000, फिर नोट नंबर 7 कितना है अपना 30, फिर ये 60, बराबर है 60, फिर ये 2,70,000, बस तो बैलेंस शीट अपना टैली कर लेना, टैली हो जाएगा 32,10,000।